तो पूरे उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। आने वाले 15 से 20 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है, इसकी जानकारी नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने दी। प्रदेश भर में जिस तरीके से गर्मी चल रही है और इस बढ़ते पारे ने मुश्किल कर दी है, न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी ये गर्मी लगातार बढ़ रही है और ये हर वक्त बढ़ने के साथ साथ इस बात के लिए भी मुश्किल कर रही कि आने वाला समय कैसा होगा। हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत जी हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो है कि राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पे जो गर्मी पड़ रही है वो अपने आप में है, मैसेज भी बड़ा है। हाँ, देखिए गर्मी तो इस बार जो है पिछले साल से ज्यादा है, जो अगर आप मेट्रोलॉजिकल का डाटा देखेंगे और उस ये 22 से जो ट्रेंड है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो हम दो तरीके से इस पे काम कर सकते हैं, पहला जो है कि शॉर्ट टर्म जो अभी हमें इमीडिएट करने हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन के दौरान इलेक्शन डे में 20 मई को नगर निगम द्वारा जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई थी, पोलिंग बूथ्स पे की गई थी, उसी को हम लोग अब रिपीट कर रहे हैं। सॉरी, कल से बड़ा मंगल स्टार्ट हो रहा है पूरे लखनऊ में। बहुत अच्छी एक पूरे लखनऊ में रहता है इसका, हर जगह भंडारे लगाए जाते हैं। तो हमने जो है परसों सारे भंडारे के जितने भी ऑर्गेनाइजर उनको बुलाया था। तो हमारी जो पहली नगर निगम के द्वारा अपील की गई थी कि आप पहला जो आपका काम रहेगा कि आप पानी की व्यवस्था इन अगले 4 मंगलवार लगातार करेंगे सारे भंडारों में, और पानी भी पूरे अगर पैन लखनऊ होगा तो ये एक कूलिंग का इफेक्ट करता है जो हीट के लिए करता है, सब नेचुरल चीजें सब लोग करते हैं, लेकिन जन सहयोग से नगर निगम इसको एक बड़े स्केल पे कराएगा। जो बाकी के डेज रहेंगे उसमें नगर निगम इंटरवीन करेगा, हमारे जितने व्यापार मंडल है वो लोग इंटरवीन करेंगे, तो पानी की इस तरह से कराएंगे। लेकिन हमारी अपील रहेगी जनमानस से कि जब बरसात आए तो उस अभियान में जुड़ के लखनऊ को और हरा भरा बनाए, ताकि अर्बन फॉरेस्ट्री बढ़े, ताकि ये जो इसका इम्पैक्ट है कम हो सके हीट का, जो साल दर साल जो बढ़ रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के कारण है या किसी और चेंज के कारण है, जिसकी स्टडीज कंटिन्यू चल रही है। क्या गर्मियों में प्याऊ वाली बजट आता है, क्या उसके भी कोई चिन्हित जगह? नहीं, नगर निगम के अपने रिसोर्सेज है, वो सब चीजें ये प्रोवाइड करा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें बजट का, जहां भी नीड रहेगी। जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि उस प्याऊ को मेंटेन करना, लगाना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है उसकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग उसको कर रहे हैं आगे, और उसके साथ हमारी जो जन भागीदारी है उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। व्यापार मंडलों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए अपने, जहां जहां उनके व्यापार मंडल्स हैं वहां ठंडे पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।